लक्ष्मण क्लब चंबा में शनिवार को चंबा प्रोग्रेसिव काउंसलर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मांग उठाई गई कि चंबा में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था तथा पार्किंग निर्माण होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता चंबा प्रोग्रेसिव काउंसलर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र सहगल ने की। चंद्र सहगल ने बताया कि चंबा की उप मांगों को लेकर कई बार एसोसिएशन विधायक पवन नैयर से भी मिल चुकी है। बैठक में एसोसिएशन ने मांग रखी कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा का नाम राजा श्याम सिंह मेडिकल कॉलेज रखा जाए, क्योंकि उन्होंने ही रियासत काल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चंबा अस्पताल की स्थापना की थी। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग हुई है और हमने चंबा के डेवलपमेंट के बारे में जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए, पर यही पॉइंट हमने जो पहले विधायक सदर से भी चंबा डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें की, पॉइंट हमने रखे थे, उनमें से हमारा एक मेजर पॉइंट था पार्किंग का। चंबा में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सबसे पहले हम पार्किंग का काम जल्दी शुरू करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारी मीटिंग मेंबर्स के साथ तो हुई है, उनमें हमने दो पॉइंट रखे हुए हैं। एक तो जो ट्रैफिक रेगुलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए जुगा नंबर 5 और 4 के बीच में जो स्पेस है उसको डेवलप किया जाए और ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए, जिससे कि थोड़ा रश में कम हो जाएगा। सेकेंडली हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया है कि चंबा में जितने भी अवेलेबल अनयूटिलाइज्ड स्पेसेस हैं उसको यूटिलाइज किया जाए चंबा के डेवलपमेंट के बारे में, सो दैट चंबा कुछ सालों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, डेवलपमेंट काम को बड़े कम हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम भी जल्दी हो। और जैसा कि एक मांग हमारी हो रहा है, इस बारे में हमने प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि चंबा का जो अगर हॉस्पिटल वहाँ बनता है तो उसका नाम जो है चंबा नरेश की, हमारे राजा भूतपूर्व राजा जो है राजा राम सिंह के, राजा श्याम सिंह के नाम से रखी जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए चंबा से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट।